ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आखिरकार हमारा भाग्य कब बदलेगा, जीवन में कब बदलाव होगा, किस्मत कब साथ देगी। जिन भी कामों में हम हाथ डाल रहे हैं उन कार्यों में हमें सफलता नहीं मिल रही है। इतनी परेशानी हमें हो रही है कि जिन परेशानियों को जितना हम सोचते हैं उतनी परेशानियां बढ़ जाती हैं। भाग्य कैसे बदलेगा, किस्मत कैसे बदलेगी, आखिरकार क्या होगा, किस तरह से चीज़ें सही होगी, बहुत से प्रश्न वर्तमान आपके दिमाग में चल रहे होंगे। तो आपको 2 मिनट रुक जाना चाहिए, बस इस वीडियो को पूरा देखकर अपनी आप मदद कर सकते हैं। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का एक छोटा सा नाम लिखे, नमो शिवाय ओम लिखे, लेकिन ज़रूर लिख कर जाए। चाहते अपनी कुंडली का विश्लेषण अगर हमसे करवाना है, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप आएँ, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात करें, उसका फीस शुल्क लागू है दोस्तों। जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान पता होना अनिवार्य है। सबसे पहले जब भी कभी कोई व्यक्ति की किस्मत में बहुत ज़्यादा रोड़े शुरू होते हैं तो राहु की वजह से रोड़े शुरू होते हैं, क्योंकि राहु का कार्य ही है बहुत सी रुकावटें पैदा करना, बहुत सी ऐसी चीज़ें पैदा करना जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने वस्त्र दान करें, मतलब कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को वस्त्र दान करें। जितनी आपकी हैसियत है, वस्त्र और चप्पल, दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ दान करें और दोनों कर पाए तो जल्द से जल्द दान कर दें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है किस्मत के लिए, जो हम बहुत नेगेटिव हो रहे हैं उस नेगेटिविटी को एक पॉजिटिव एनर्जी में बदलना होगा, और उस पॉजिटिव एनर्जी में बदलने के लिए अपने गुरु मंत्र का सहारा लेना होगा। अगर नहीं है गुरु मंत्र तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जब सतत करना अभी से शुरू कर दिए। 5-4 दिन आपको बुरा लगेगा करने में, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन 4-5 दिन बाद जब आपको एक रूटीन बनेगा आप सोच भी नहीं पाएंगे जो बदलाव आपके जीवन में होगा, बहुत अद्भुत बदलाव होगा। तीसरा है कि 2 वक्त शिवालय जरूर जाए, सुबह और शाम 2 वक्त शिवालय जरूर जाए, और हताश और निराश हमें नहीं होना है, क्योंकि जितना आप हताश और निराश होंगे, जितना आप अपनी चीज़ों को लेकर नेगेटिव वे में जाएंगे, उतनी चीज़ें आपकी ख़राब होगी। जो भी परेशानी, जो भी तकलीफ़ है, शिव जी से आप कहें, क्योंकि वो सबकी सुनते हैं, और तमाम चीज़ें आपकी लाइफ में जितनी नेगेटिविटी उसे बहुत कम समय में वो ईश्वर आप पर दया करेंगे और आपके जीवन में बहुत सी चीज़ें बदलेंगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप बहुत परेशान हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट